अमृत वेले जागना करना इशनान फिर नाम जप दया संगत विच आ बैना गुरसिख भलके उठ के भलके अमृत वे सूरज चरण तो पहला उठवो भावे किसे वेले उठवो सूरज चरण तो बाद नहीं फिर तो दिन चढ़ पिया कांचड़ियां बोल गए जपन का जो वेला है वह अमृत वेला कई ने अमृत वेला बना लिया भी दोपहर में बूहे बंद कर लो अंदर हो गया अनेरा अमृत वेला हो गया रब नू भी धोखा देना आप भी धोखे विच रहना अपने मन नू धोखा देना अमृत वेला अखे वही अमृत वेला है जिस वेले अमृत नाम लईए जिस वेले नाम जपिए वही वेला अमृत है पर जो भलके आखे है सवेरे साजरे गुरसिख भलके उठ के अमृत वेले सर ना वंदा सवेरे जिस वेले उठदा है जरा उदम होर कर थोड़ा जिया होर भलके उठ जलंग इस वेले नु भी अमृत वेला आखे है भावे किसे वेले नाम जप अमृत वेला उस वेले नू भी आख लै पर जो अमृत वेला है वो पिछली रात दा वेला ताईं तां लांबा दित्ता होए पिछल रात न जागियो जी वंदड़ा मोयो एदू बैड़ा होर कम कोई नहीं जो बंदा अमृत वेले ना उठे पिछल रात न जागियो तां जी वंदड़ा मोयो मत अपने आप नू समझ के मैं जीउंदा हां जिंदे नहीं ओ जड़े अमृत वेले जाग के पै जपदे नहीं श्री वाह गुरसिख भल के उठ के जो सिख है गुरु का उसका ए धर्म है उसकी ए भक्ति है कि अमृत वेले उठ के अमृत वेले सर नवंदा उठना और इशनान करना गुरसिख भल के उठ के अमृत वेले सर ना वंदा गुरु का बचन उचार के गुरु दा बचन गुरु की दिखिया गुरु का मंत्र उचारण करना उपदेश गुरु हर 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 जापे इसका फल की है कि सब किलविख पाप दुख लह जावे गुरु का बचन उचार के फिर अके धर्मशाल दी सुरत करन फिर सुरत कर भाई भुली गल जिमें कोई किसे नू चेते करा देवे भाई चेता कर सुरत कर होश कर करन वाला कम तू खुंजाई जाने जप लिए नाम अखे जी हां फिर धर्मशाल दी सुरत कर धर्मशाल जिथे धर्म दी पढ़ाई हुंदी है जिथे जमात लगदी है जिथे गुरु के सिख एकत्र होके
बाणी गांदे हैं। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। सच्ची बाणी दा जिथे गायन हुंदा है, जिथे कीर्तन हुंदा है, सो स्थान बतावो मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता। मैनू भाई कोई ऐसा थान दसो जिथे कीर्तन हुंदा हो, क्योंकि नाम जपन वेले भी मन नहीं लगता कई बार। होर किसे कलम बच ता मन ने की लगना, पर कीर्तन विच आन के मन की लिया जांदा। कीर्तन एक ऐसा मंत्र है, कीर्तन एक ऐसी बख्शीश है गुरु की। इस वेले कीर्तन विच कोई आंदा है ता मन ये घंटा भर बहेगा, ता विचों कई कई वारी मन लगेगा। जो उत्तम अधिकारी हैं उन्हां दा ता आंदियां ही लग गया ते फिर उखड़िया ना, फिर लगा रहा। पर जे उत्तम अधिकारी नहीं भी ता भी सदा मन कीर्तन विच कई वारी लगेगा, कई वारी लगेगा। और जे लग गया एक छिन मात्र भी, साहिब आखदन काल फास के बीच न आए। जपो भई श्रीवास। गुरसिख भलके उठ के, पर ए कम किस वेले दा है? पलके दा कम है, अमृत वेले दा। चलांगे उठ के नाम जपना। ताकीद कीती है गुरु के सिख नू, क्योंकि ए दर्जा सब तो उत्तम है। जननी जने तो भक्त जन, हे जननी जे तू जन्म दे रही है पुत्र नू, ए प्रसूत दी पीड़ा सह रही है, जन्म दे रही है अपने बालक नू, तो फिर अरदास कर, हे वाहिगुरु, ए जो 9 महीने मेरे पेट विच रहा है ते मैं इस नू अपने आश्वासा नाल पालिया। ते हुण ए संसार विच आवने लगा, तो कृपा कर अपनिया बख्शीशां दे भंडार खोल, निरंकार तिसदी चौली भगती दा दान पा, भगती दी खरैत पा। क्योंकि जे जन्म लैणे बालक ने तां भगत होके जन्म, ते जे भगती दी दात बहुत वड्डी है और इतने मेरे बालक दे पुन नहीं, तां इसनू जे भगती दा दान नहीं देना तां फिर दाता बना दे, इसदे बूहे तो कोई खाली ना जाए, ये दुखिए नू वेख के दर्द नाल भर जाए। इंज नहीं भी कोई भुखा बिलकदा होवे ते आप रज के खा लवे, नहीं जिस वेले लोड़ पवे दान देन दी ते फिर खुला देवे, निसंग देवे, सरफा ना करे। ऐसा दाता जी आवे मेरी गोद विच कि अपना भी नाम रोशन करे और माता पिता दे मस्तक ते भी केसर दा टिक्का लगाए। ते जे इतने भी इसते पुन नहीं, ये दाता भी बनन दे योग नहीं, तो फिर उसनू सूरमा बना दे, सूरमा बना दे। अवल ते भगती नहीं तां दाता, नहीं ते सूरमा। जे तिन्ना विचों कोई एक भी नहीं जमया माता तेरी गोद विच, कोई जिया लाल नहीं खेडना, तो फिर तू पुत्र नू जन्म ही ना दे, फिर तू बांज हो जा। तू अपना नूर क्यों गवाउंदी? ये नूर गवाए ही ता किसे पिछे गवा, कोई भगत होवे, दाता होवे, सूरमा होवे। कितने दिना दे बाद राणा प्रताप नू अज रोटी जुड़ी है, एक रोटी बस, इन्ना की आटा सी कि तो मिल गया। रोटी पकाई, बच्ची बड़ी व्याकल है भुख दे नाल, अद्धी ता पहला उसनों दे दित्ती, अद्धी हुण बाकी पई है। ताइए जी कितने दिनों का कोई भुखा प्यासा कुत्ता, खबर नहीं किवें हड्डियां का पिंजर चलदा चलदा उत्थे आ गया, ते आन के डिग पिया। इन्हें वेखिया भुख तो मैनू भी बड़ी लगी हुई है, मैं भी कितने दिनों का भुखा हाँ, पर यह भी बहुत भुखा। उन्हें अद्धी रोटी तोड़ के अद्धी चो फिर उसके अगे रख दी, आखिया मैं अजे कुछ समय होर गुजार सकदा, पर इसते शायद प्राण निकल जान। जिसनू रोटी ना मिली तां दाता जो दातापन अंदर आवे, असी हर वेले मंगते हैं, साड़ी अंदर मंगतापन आ गया। हर वेले जो भी कोई मिले उस तो साड़ी यही इच्छा होंदी है कुछ हासिल हो जाए, कुछ मिल जाए, ये मंगतापन है। दातापन विच जो नहीं वसया, जिसके अंदर कोई दातापन नहीं आया, समझ लो भाई वाहिगुरु ने इसनू इस लायक नहीं, लायक नहीं समझिया भी ये बख्शीश भी इसनू कीती जाए। तब फिर सूरमा तो हो
इस वेले धर्म ते आन बने प्राण त्याग सके, मुल्क ते आन बने ता अगा होके लड़ मरे। अज में अज बनी खड़ोती है खेड, मुल्क दे उते किड़े भयानक बदल छा गए हैं। कदे किसे नू चित चेता ही नहीं सी, असी जद किसे नू कुछ नहीं आ कुछ क्यों आखेगा, पर राज ताकत बिना ना कदे रहे हैं ना रह सकते हैं। राज ताई रह सकते हैं जे राज दे मगर ताकत हो। वर्तन दा वेला शायद ना आवे, भावे वाहिगुरु कृपा करे सब नाल रवे सुला सफाई, पर ताकत दा कायम रहना बड़ा जरूरी। आ शरीर चो जिस वेले ताकत निकल जाती है, अपना शरीर आप नहीं चुक सकता, उठता है तो गोडियां ते हथ रख के उठता है। क्यों बई, अखे कमजोरी हो गई, वो कमजोरी नाल ते अपना शरीर नहीं चलता। ये मुल्क दे प्रबंध किवें चल सकते हैं बिना ताकत दे। तो जदों कोई इहो जिहा समा आन बने, जब आप की औद नदान बने अत ही रण में, तब जूझ मर। जदों मेरे शरीर का अंत वेला आन वाला होवे, हे वाहिगुरु उस वेले ये तू कृपा करें तो मैं किसे शान नाल मरा, अणख नाल मरा, शहीद होके मरा, शहीदी प्राप्त करा। केडियां उचियां उडारियां हैं, क्योंकि अंदर दातापन है, अंदर सूरमताई है, अंदर भक्ति है। तिन्ने गुण जिस अंदर आ गए हैं, ये उसकी अरदास है। जब आप की औद निदान बने अत ही रण में, तब जूझ मरा। देह शिवा बर मोहे, ये है शुभ कर्मन ते कब हू ना डरो। हे शिवा वाहिगुरु, मैनू तू वरदान देने ता ए दे के मैं शुभ कर्मा तो कदे टला नहीं। शुभ कर्मा दे करन दा वेला आवे ता मैं ना आलस करा ना संकोच करा। शुभ कर्म, शुभ कर्म तो शुभ कर्म केड़ा है, जपना श्रीवा, ये सब तो पहला कर्म है, श्रावणी कर्म है। सहवाग दिन अमृत वेला हो, दिन दा आरंभ हो जाने, दिन दा आरंभ कितों होंद है, अमृत वेले तो। ताइए सहवाग दिन दा आरंभ होने लग गई, ते तू ए आरंभ दिन दा किवें कर, जा लांगे उठ नाम जप, नाम जपना, दान करना, ते जे लोड़ पै जाए तो शरीर भी नशावर कर दे। जननी जने तो भक्त जन, कै दाता कै सूर, या भक्त जन क्योंकि अवल दर्जा भक्त दा, पहला दर्जा भक्त दा। ये भक्ति आ जाएगी तो दो गुण बाकी भी नाल ही आ जाने। भक्त होवेगा तो दाता भी होएगा और सूरमा भी होएगा, पर जे दाता होएगा तो पता नहीं ये सूरमा है या नहीं, भक्त है या नहीं। क्योंकि जरूरी नहीं भाई दाता भगत भी होवे ते सूरमा भी होवे, ते जे सूरमा होवे ता जरूरी नहीं भाई ये दाता भी होवे ते भगत भी होवे, पर जे भगत होवे ता जरूरी है कि वो दाता भी होएगा और सूरमा भी होएगा, क्योंकि भक्ति विच ए बाकी दो गुण भी विच आ जाते। भगत है नाम जपदा, इस नूं वाहिगुरु तो बख्शिशा मिल दियां, इसे वास्ते हैं भाई आप जप, ये दातापन है इसका, क्योंकि इसके कोल जड़ी दात है इसने उही वरतानी। गुरमुख नाम दान इशनान, ये गुरमुखां दी दात है, नाम जपना, दान करना, जितनी भी समर्था होवे जो वाहिगुरु बख्शे उस चो वंड के चकन। पुरातन सिखां दा ते निशाना ए नाम जपना, धर्म दी किरत करनी ते वंड छकना, बस त्रै गल्लां विच सिखी दे सारे गुण आ गए। सब तो पहला नाम जपना, इशनान करना जरूर करना। इशनान दा मतलब ए नहीं भी अपने तन तो मैल लानी है, तन मन नू शुद्ध रखना। शरीर ना लिया, तन धो लिया, ते मन दे ख्यालात बैड़े रहे, उन्होंने ना धोता, मन अंदर झाड़ू ना दिता, ते घर नू पिया साफ किया। घर केड़ा साफ होवे जे विच वसण वाले मैले होण। तो तन भी धो भाई, इसका मन निर्मल है, उसका तन मैला नहीं हो सकता। इस वास्ते मन नू भी निर्मल रखना है, ते नाल तन नू भी, तन दे निर्मल करने वास्ते इशनान रोज करना है।
इस वेले रोज उठद ना अपने कम काज वास्ते, उस तो वक्त बचा के पहला उठ पवे, नींद विचों ही वक्त कढ़ना है ना। इशनान करके जप जी साहब का पाठ तो इशनान करदिया ही नाल कर ले, जा इशनान किया मस्तर बदलावन लगा, जड़ सच्चे पातशाह दा ध्यान धर के मत्था टेक के एक ओंकार सतनाम जप जी साहब पढ़ लवे, ते फिर जितना उस बह सकता है, जे शरीर स्वस्थ है तो चोखा चिर बैठा रहेगा, शरीर ढिला है तो भावें थोड़ा चिर बैठ जाए, भावें एक मिनट ही बैठ जाए, पर करे रोज नित दा नेम खुंजाए नहीं, फिर की होंदा हौली हौली जिवें जिवें कोई नित नेम करदा है ना वेले नाल, तिवें तिवें दरगाह दियां बख्शियां रूहां जो संसार विच विचरदियां और जिन्हां नूं जपण वाले पाउंदे हन, वो बख्शीशा वाले बंदे फिर उस जपण वाली थां ते आन जाने लग पैंदे, बस जिवें जिवें उन्हां दी आवाजाई वधदी गई तिवें तिवें रस पैंदा गया, क्योंकि वह भी नाल फिर बह के जपण लग जाते, फिर उन्हां दी संगत बन जाती है, वह फिर दरगाह तक किस्तियां स्रोता पहुँचा देंदे हैं, फलाना नितनेम करदा जी सात संगत बोलो श्री, पर जे नितनेम खुंजा देवे ते ओ दरगाह दे बंदे आके मुड़ जान तो फिर उत्थे जाके जो कुछ आखणगे उसका नतीजा की होवेगा कि फिर इसका मन नाम विच नहीं लगे, इस वास्ते चलांगे उठ नाम जप हर रोज, चलांगे अमृत वेले उठ के भाई की कर, जप नाम जप नाम जप I'm gonna make you mine.